हेलो गाइस, हम लोग हैं फिर से बड़े दिन पे इसका बर्थडे आ रहा है, तो हमने प्लान और मजे मारने वाले हैं, बने रहना इस पूरी गाइस। भोलेनाथ की बात और करीब आ गई है। हम लोग हैं फिर से रेलवे स्टेशन पर। क्या कर रहे हैं? सरायरोला रेस्टोरेंट से बोला भी जरा मैं। सरायरोला रेलवे स्टेशन पे और हमारी प्यारी नेहा जी, इनका बर्थडे है कल। यस, महाशिवरात्रि पर। इतनी बड़े दिन पे इसका बर्थडे आ रहा है, तो हमने प्लानिंग कर ली है। हम जा रहे हैं ऑब्वियसली बात है महादेव के घर। यस, और वो कहाँ है? नाथ द्वारा। यस, ये नाथ द्वारा है, तो हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स। ये उदयपुर में पड़ता है, तो अभी हम उदयपुर जा रहे हैं। हमारी ट्रेन है 7:30 बजे की। राजस्थान में पड़ता है, सॉरी, राजस्थान में नाथद्वारा, उदयपुर से 50 किलोमीटर वहाँ जा रहे हैं। तो हम सारी डिटेल्स आपको देंगे बाद में। हमारी ट्रेन चलने वाली है, अभी हम जाके खाना खाते हैं, हमें भूख लग रही है और हम मज़े मारने वाले हैं, तो बने रहना इस पूरी वीडियो में गाइस। ट्रेन, येरी बर्थडे गर्ल, चलिए लेट्स रॉक। हर हर। हम सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे उदयपुर। वहां पे हम सारी अपनी 2 डेज की आइटनरी आपको बताएंगे, हम कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या क्या घूमेंगे, तो आप बने रहना गाइस। मैं आपको अपने और जनों से मिलाते हैं। ये रहे हमारे बाकी के साथ ही तन्नु, हमारी शाली। ये देखिए, इसको बुखार हो गया गाइस, जल्दी से ठीक हो जाओ। और ये रही मॉडर्न, और मॉडर्न कैसन बा, ये बना के लाती है हमेशा चाउमीन, और हम खाने वाले अंदर जाके चाउमीन। अंदर चलते चाउमीन खाने गाइस। इसने चावल बंद कर ली। ये हमारी ट्रेन चल गई है, बाय बाय दिल्ली। खाना भी है, बाय बाय। थोड़े दिन के लिए बाय। क्या दिल्ली से दूर जाके अच्छा लगता है ना? ये लो पानी, अभी हमें चावल ठूसे और इसको पानी चाहिए। चावल तो दिखाओ कस्टमर को। ओ, हमने खा लिए गाइस, सॉरी। और भी हमारे पास और चीजें भी है, और है ना? यस, ये दिख के लिए। तो कभी मैं आपको दिख रखी बढ़िया, ये बहुत बढ़िया खाना बनाती है। देखिए, सरप्राइज नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टीटी आ गया हमारी सीट चेक करने, और वो जाने को नहीं हो रहा है। वो जाएगा जब हम उसको बुलाएंगे गाइस। बस थोड़ा सा समय और हमने बहुत वेट किया सरप्राइज देने के लिए उसे, अब वो जल्दी से आ जाए बस। ये आ जाए यार, हमारी मोमबत्तियाँ पिघली जा रही है, 2 बार तो मैंने ही बुझा दी। गाइस देखिए, वो आने ही वाली है, ये हमारा सरप्राइज है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये finally हमने बहुत वेट किया सरप्राइज देने के लिए। ये सीन था क्या? बैठो बैठो, मैंने पता क्या किया, तुम्हें बात बताऊंगी। चलो, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lisa. Happy birthday to you. Thank you. मुझे डाउट था नहीं, लेकिन वो टीटी वाली बात सच थी। हाँ, वो तो पता है मुझे। अब ले वो लेना, इसमें पहला वाला नहीं रहा। Happy anniversary to भोले बाबा, पूरा खा लो। तो गाइस जैसे कि आप जान सकते हैं कि आज क्या है, महाशिवरात्रि, लेकिन प्रभु के नाम बोलते हैं हर हर महादेव। और हम आ गए हैं कहाँ पर? उदयपुर सिटी भी। ये हमारा बंदे, ये देखो, एक बंदी मेरी, दूसरी और तीसरी, ठीक है, और वो सामान उठाने के लिए। तो देखो, ये है उदयपुर का नजारा, ठीक है, करते मजे मिलते ब्रेक के बाद। ये है उदयपुर रेलवे स्टेशन, और हमारी ट्रेन उतर चुकी है 7:50 करेक्ट टाइम पे, ठीक है। ये क्या, ये देखो, रखना है बाहर, फूल बरसाओ
मेरे भोलेनाथ आए हैं। आज है भोले बाबा का दिन और मेरा जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी एनिवर्सरी टू भोले बाबा। और हम उदयपुर में हैं और मैं हूँ होटल जग निवास में। ये देखिए हमारा रूम, ये देखिए, ये देखिए बढ़िया रूम। दो डबल बेड है ना, बड़ा रूम है। मैं आपको बताऊंगी हमें कितने में पड़ा। ये देखिए यहाँ पे ये स्पेस कितना बढ़िया है। और ये मिरर भी है यहाँ पे। और यहाँ की जो छत है ना वो बहुत खूबसूरत है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए गाइस देखिए, ये है इसका रूफटॉप रेस्टोरेंट। यहाँ से व्यू देखिए बहुत ही सुंदर है। वो है लेक पिचोला, देखिए ये हमें बहुत बजट में पड़ा है, मैं आपको बताऊंगी। और ऊपर भी है, चलिए ये देखिए, है ना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत नज़ारा। और ये लेक पिचोला, यहाँ पे हम खाना वाना भी खा सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं। सच में बहुत सुंदर है। और ये रूम गाइस हमें पड़ा है पर नाइट ओनली 1800। हमने बहुत बार्गेनिंग की इस रूम के लिए, लेकिन हमें मिल गया। फुल राजस्थानी फील है उदयपुर में, अच्छा लग रहा है। तो हम तैयार व्यार होके अपना स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के लिए चलते हैं। हेलो गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम लोग निकलने वाले हैं अब नाथ द्वारा के लिए। देखिए जो मिरर था इसी में सब रेडी हुए हैं। रूम काफ़ी अच्छा है सच में, बजट में भी मिल गया तो इट्स ऑल गुड। तो अभी पहले हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे नाथ द्वारा के लिए। देखते हैं टैक्सी करेंगे। हमें जो हमें ऑटो वाले अंकल थे उन्होंने बताया कि टैक्सी का जो है वो 2500 है, जिसमें उनका सब कुछ होगा, और अगर ऑटो करते हो तो वो 1500 में हो जाएगा। तो अभी लेट्स सी हम क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम कुछ खाएंगे, बिकॉज हमने कुछ खाया नहीं सुबह से, हम बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी देखते हैं यहाँ का क्या अच्छा है, मे बी कुछ अच्छा मिले हमें। चलिए चलते। ये हमारी गैंग वुमन टू गर्ल्स इतने टाइम के बाद साथ हुए हैं उसके बर्थडे पर। ये बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी हम यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। ये है उदयपुर और ये पीछे है लेक पिचोला, वो आपको दिख रही होगी सोरी उधर अलग। हाँ शाम को जाएंगे हम, अभी हम खाना खाने चलते हैं। चलिए हेलो गाइस, हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता और रीजनेबल प्राइस तो नहीं, थोड़ा सा रीजनेबल से ज़्यादा प्राइस है। लाइक जो पराठा 60 रुपये में मिल जाता है वो यहाँ 100 रुपये का है, और ज़्यादा आपको सर्च करना पड़ेगा ज़्यादा अच्छा क्या है, क्योंकि हम जो पहले जहाँ गए थे वो अच्छा नहीं था। लेट्स सी, अभी हमने ऑटो बुक किया है 1500 रुपये में, वो हमें नाथ द्वारा ले जाएंगे और छोड़ेंगे भी शाम तक। हम वहीं पर आज पूरा दिन अपना इन्जॉय करने वाले हैं। तो अभी हम ऑटो वाले के पास ही जा रहे हैं, क्योंकि हमने टैक्सी नहीं बुक की, क्योंकि हमारा ट्रिप बजट ट्रिप्स होते हैं एज़ यू ऑल नो गाइस। तो हम हर चीज़ बजट में ही करना पसंद करते हैं। तो ये रहे हमारे सारे साथी। गर्मी गाइस बहुत है, लेकिन शाम की ठंड है तो यू कैन वेयर वन जैकेट। यहाँ मंदिर है, ये प्लेसेस हैं, मतलब फुल राजस्थानी फील। बट गाइस गर्मी में तो यहाँ आ ही नहीं सकते। अभी फैब का मन चल रहा है और इतनी गर्मी है, मतलब बता नहीं सकते कितनी गर्मी। ये है हमारा होटल जग निवास, अच्छा है हमारा होटल। तो अभी हम शाम तक आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें, तो आप बने रहना हमारे साथ। देखिए है हमारे ऑटो वाले भैया, मैं इनका नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये ही है जो 1500 में हमें
नाथ द्वारा और रास्ते में जो भी प्लेसेस पड़ेंगे वो घुमाएंगे। तो अभी हम चलते हैं। हमने टिकट्स ले ली है, ये हमारी अंदर जाने की एंट्री है 400 की है। इधर आओ। बेसिकली ये जो है ना, मेरा जो है ये 400 का एंट्री है, ऊपर 1700 की एंट्री है, और ये पूरा पार्क विजिट का ये जो है 200, जिसमें आप चरण छू सकते हो। अच्छा, हमने कौन सी लिया? 400 वाली। ठीक है, तो अभी हम, हमारा स्लॉट है 4 से 5 बजे का। ठीक है, ये है स्टैचू ऑफ बिलीव, विश्वास का स्वरूप। हैप्पी बर्थडे। कैसा लग रहा है बर्थडे पे? भोले बाबा, बर्थडे पे भोले बाबा के दर्शन मिल रहे, बस उनको छूने की तमन्ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ बिलीव, और ये है मेन गेट जो एंट्री है महादेव की। वो देखो वीडियो चल रहा है, विजुलाइज पूरा ये पूरा बनाया हुआ आसपास के एरिया। और सबसे पहले एंट्री करते ही आपको पता ही है, जैसे कि हनुमान जी हमारे, जय बजरंगबली, जय श्री राम, उनकी एंट्री होती है, और जो कि बहुत विशाल और बहुत ही मस्त लग रहे हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। ये है हमारे महादेव विराजमान बड़ी से शिला पे, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप देखो कितने विशाल काय है, क्या स्माइल कर रहे हैं, उसको नील माला पहन जाएंगे। हर महादेव, यहाँ से गणेश जी एंट्री करते हैं इसमें, और ये हमारे शिवलिंग शिव जी जो कुदरती उनको चल जा रहा है, और हमारे हनुमान जी, हनुमान जी के, जय सियाराम। बोलो, ये है इनकी छोटी प्रतिमा जो पूरे विशाल का है, महादेव है, और ये है इनकी पूरी बड़ी प्रतिमा जो मैंने आपको दूर से दिखाई थी, बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही विशाल का है। यहाँ से अंदर जाने का एंट्री है, और वो जूता घर है। और भैया ये तो बहुत ही गजब आ रहा है। ये है देखिए स्टैचू ऑफ बिलीव, शिव जी के चरण छूने जा रहे हैं। कितना बड़ा चरण है, देखो गाइस, इट्स सो ह्यूज, बहुत बड़े कि नहीं, इतने बड़े पैर। शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो, हर हर महादेव। हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ बिलीव के अंदर। गाइस देखिए, ये है कांच का ब्रिज, वहाँ से ये देखिए ऐसे है जाने का। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सो स्केरी। हाँ बहन है, यार गरम लग रहा है ना। जय भोले बाबा, कैसा लग रहा है? ये बहुत ज्यादा गरम है, कांच का ब्रिज, कांच का ब्रिज है। माय गॉड, हमारे
माय गॉड यार, डर सा लग रहा है मुझे तो। गरम लग रहा है बहुत, मुझे तो बिल्कुल गरम नहीं लग रहा है। ये है हम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के अंदर, 280 फीट ऊपर आ गए गाइस, 11 मंजिल स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। और कैसा लग रहा है? महादेव ने हमें कहाँ पहुँचा दिया शोल्डर के पूरा दिखाया गाइस, कितना ऊंचा आ गया हम, पूरा बड़ा सा त्रिशूल, बड़े से महादेव हमें देखो, बिल्कुल जन्नत नसीब करा रहे हैं महादेव, सब महादेव की कृपा है। तो बोलो हर हर महादेव। ज्यादा ऊंचाई पर है, कैसा लग रहा है? डर सा ही लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मुझे बस मुझे अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग बहुत अमेजिंग है, कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स गाइस। एक बार एक्सपीरियंस बनता है महादेव से मिलना, ये देखो आप भाई साहब, बहुत ही सुंदर नज़ारा आसपास का भी। हर हर महादेव। कैसा लगा? सच में बहुत है, ये वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये है आज स्नेहा का बर्थडे, और जैसा कि नेहा ने बोला था कि मुझे यही वाला महादेव देखने हैं नाथ द्वारा के, तो वही महादेव ना, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, देख ली, सब इच्छा पूरी करते हैं महादेव, तुम्हारी भी इच्छा पूरी करेंगे, तुम खुश रहो, सब खुश रहेंगे। हमने ये स्टैचू ऑफ बिलीफ यहाँ से ऑर्डर किया है, तो हमारा ऑर्डर था 560 का, 500 से ऊपर का ऑर्डर था, तो हमें ये एक फिश स्पा मिला है फ्री कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया हमारा मसाला डोसा गाइस, डोसा आ गया ये, और हमने दो तीन आइटम और मंगाई है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ गाइस। ये हमारी दूसरी डिश, मंचूरियन और फ्राइड राइस, डोसा हम खा चुके हैं, हमें बहुत अच्छी लग रही है, हम सब खा जाएंगे आज गाइस। ये हमारी तीसरी डिश क्लब सैंडविच मंचूरियन ब्रेड, हाँ खाना बहुत बढ़िया है, मैं सुन कैसा खान, ये बर्थडे कलर है, थोड़ी मरी भी सी हो रही है थोड़ी, सही है, खिलाने के लिए खाना खिला रहे हैं, खिलाओ खिलाओ, ये देखिए खाना भी खुद से नहीं खाते, इसके हाथ ही नहीं, सही हुआ सही हुआ, बढ़िया हो, कैसा लग रहा है आप, हो गए हैं ये है नाथ द्वार स्टैचू ऑफ बिलीफ, बहुत ही बड़ी शिवलिंग है, शिव जी जी की स्टैचू है, और ये अराउंड 351 फीट की है। हम ऊपर तक होके आए थे, बड़ा मजा आया था, मो नंदी जी बैठे थे बिल्कुल, इनका फ्रंट व्यू है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल का है, हर हर महादेव। और हम वेट कर रहे हैं इनकी बारात का, ये विश की मन को देखने को मिले आज महाशिवरात्रि, हर हर महादेव। हमारी सबकी हालत ख़राब हो गई इस समय, वी शो यू द होल व्यू, ये सारा मिड एरिया है, बहुत सुंदर बना रखा है, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, आप फुल डे इसको एंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, ये चारों देखो कैसे बैठे हुए पागलों की तरह, वो मुंह में अंगूठा दे दिया, ये वीडियो बनाती रहती है, और ये देखो बस हर हर महादेव, ह्यूज नंदी, ह्यूज महादेव, हर हर महादेव, देखो कितने बड़े नंदी जी है, हमारे बड़े महादेव जी के लिए बोलो हर हर महादेव, और जय हो नंदी महाराज की जय। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा बनाया सही में, हर हर महादेव,
लव यू भोले बाबा ऑलवेज। हाय गाइस, हम हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ में सामने और आज है शिवरात्रि का दिन और आज शिव जी की बारात निकलने वाली है। यस, बहुत एक्साइटेड, हम फर्स्ट टाइम देखेंगे उनकी बारात। 8 बजे निकलने वाली है, अभी 7:15 हो रहे हैं तो हम वेट ही कर रहे हैं। हम दिन में आ गए थे यहाँ पे 2:30-3 बजे तक, हमने पूरा घूम लिया अच्छे से, एक ही जगह बार बार घूम ली। तो अभी हम शिव बारात का वेट कर रहे हैं, खूब इंजॉय करेंगे गाइस, बने रहना इस वीडियो में। थैंक यू। महादेव ने अपना डमरू बजाया और अस समय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए मानो अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गणगौर ध्वनियां पैदा करते हुए ये गाइस देखिए, सब भोलेनाथ की शादी में जा रहे हैं नाचने। वो आ रही है बारात। वी आर सो एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम लाइफ में भोले बाबा जी की बारात देखेंगे। ये रहे भोलेनाथ जी, हम लेके आ रहे हैं आपकी बारात। Oh,
देखिए ये है भोले नाथ जी की बारात, सच्चाई आ गया। इट्स इट इज रियली फनी।